तो बच्चों टॉपिक है हमारा सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से चेक करिए जरा। ठीक, ये देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीगन है इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक, लेट अस से ये एक इस तरीके से पॉलीगन है हमारे पास। ठीक, चलिए इसका हम नेमिंग कर देते हैं, लेट अस से ए बी, ओके सी, और ये डी, और ये ई। आप देख रहे हो पेंटागॉन है, टोटल 1 2 3 4 5 इसके वर्टेसेस हैं, है ना, टोटल 5 साइड है, 5 वर्टेसेस हैं, तो ये पेंटागॉन है। अब देखिए बच्चों एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है, इंटीरियर एंगल तो सबको पता है ना, अंदर जो एंगल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, ये सब तो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, करेक्ट। अब देखिए बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल आपको कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना है, इसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, लेट अस से हमने पॉइंट ए सेलेक्ट किया, ठीक, अब ए से आप ई की तरफ चलो, अलोंग ए ई, ये ए ई के रास्ते पे चलो इस तरीके से, ये आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए आप ई पे पहुंच गए। ठीक, लेकिन ध्यान से चेक करो, ई पे पहुंच के आपकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी आपकी डायरेक्शन, इस तरीके से आप ए ई के अलोंग जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ई पे पहुंचे आपको टर्न लेना पड़ेगा, आप टर्न हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूं करके यहां पे क्या चल रहा है, ये देखिए बच्चों, ये आपकी डायरेक्शन ऐसे थी, आप ए ई के अलोंग ऐसे आ रहे थे, अब जैसे ही आप पॉइंट ई पे पहुंचोगे आपको ये इस तरीके से टर्न लेना पड़ेगा, ये ऐसे आप टर्न हो जाओगे। ठीक, ध्यान से चेक करो, ए ऐसे आप टर्न हो जाओगे, ये वाला जो एरो दिख रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज होके इधर आ जाएगी ईडी के अलोंग। ठीक है ना भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉलीगन के रास्ते पे चलूं तो आप कैसे चलोगे, ऐसे आके यहां से आप टर्न लोगे, तो ये वाला जो एरो है ये ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल बनेगा। तो ये देखिए, ये जो एंगल है, ठीक है बच्चों, ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल का एग्जाम्पल। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, सपोज इसको हमने बोला एंगल वन, ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ऐसे करके टर्न लिया, अब आप ईडी के अलोंग आओगे, ये ऐसे आप डी पे पहुंच जाओगे, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, अब आपको वापस लौट के ए पे आना है, ध्यान दीजिएगा, हम ए से चल रहे हैं और वापस ए पे आना है, तो जैसे आप डी पे आओगे तो आपकी डायरेक्शन तो ईडी के अलोंग है, ई से डी की तरफ, ये इस तरीके से ये डायरेक्शन है आपकी। ठीक, अब क्या करना होगा आपको, ये इस तरीके से टर्न लेना होगा। ठीक, तो आप ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम गए, तो ये हो गया एंगल टू। अब आप डीसी के अलोंग चलोगे, ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो डीसी के अलोंग चलोगे तो डी से सी की तरफ चलते 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 आप सी पे पहुंचोगे तो आपकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अगर आपको बी की तरफ जाना है तो आपको टर्न लेना पड़ेगा इस तरीके से, फिर से आप टर्न हो गए। ठीक है बच्चों, और अब आप सी बी के अलोंग चलोगे इस तरीके से, बी पे पहुंचोगे और अब आपकी डायरेक्शन ये थी, अब आपको फिर से टर्न लेना पड़ेगा ये इस तरीके से, अब आपको बी से ए की तरफ चलना पड़ेगा ये इस तरीके से, और ये देखिए जब आप ए पे पहुंच जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ये इस तरीके से है, लेकिन आपको अगर ई की तरफ जाना है तो आप इस तरीके से टर्न लोगे। तो देखा बच्चों, ये सारे जितने एंगल्स यहां पे बन रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल का एग्जांपल है, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, ठीक, एंगल फोर, एंगल फाइव। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, अगर आप ध्यान से चेक करो तो आप पॉइंट ए से चल रहे हो और वापस घूम के इस तरीके से पॉइंट ए पे आ जा रहे हो। ठीक है बच्चों, चेक करो, पॉइंट ए से चल रहे थे और वापस घूम के पॉइंट ए पे आ गए, यानी कि आपने वन टर्न कंप्लीट कर लिया। क्या किया आपने, वन वन टर्न कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, तो एक टर्न टोटल आपका कंप्लीट हो गया। जब भी वन टर्न कंप्लीट होगा तो याद रखिएगा टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। ओके, तो वन टर्न कंप्लीटेड और एंगल कितना बनेगा, कभी भी वन टर्न कंप्लीट होगा एंगल 360 डिग्री बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसको आप इस तरीके से फील कर सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आप किसी सर्कुलर पाथ पर चल रहे हो, ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है मान लीजिए, ठीक है, और ये देखिए ये पॉइंट ए है। ठीक, अब आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, यहां पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे ऐसे करके। ठीक, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट। तो चेक करो बच्चों, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, अब इस पर आपको चलना है, आप वन टर्न कब कंप्लीट करोगे, मान लो आप पॉइंट ए से चल रहे हो, और ये देखिए ये वाले एरो को देखिए या इस रेडियस के डायरेक्शन को देखो, ये पॉइंट ओ है जो कि सर्कल का सेंटर है, अब आपको ए से वापस ए पे आना है, तो ध्यान से चेक करना जब आप चलोगे तो ये एरो इस तरीके से चलेगा, ये देखिए, और चलते 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 ये एरो इस तरीके से घूमेगा, तो आप देख रहे हो यहां पे एक एंगल बन रहा है इसके सेंटर पे, ये देखिए ये इस तरीके से, ये यहां पे एरो यहां पे आ जाएगा तो इतना एंगल बन जाएगा, अब थोड़ी देर के बाद ये एरो यहां पे आ जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक,
इस तरीके से करते 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 घूमते 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 जब वन साइकिल कंप्लीट होगा, यानी कि ये एरो वापस यहीं पर आ जाएगा, तो आपका जो टोटल एंगल बनेगा वन टर्न में ये बनेगा, ये देखिए सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा, और सर्कल के सेंटर पे एंगल टोटल कितना होता है 360 डिग्री। जब पूरा एक टर्न आपने कंप्लीट कर लिया तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई वन टर्न में जब भी हम वन टर्न कंप्लीट करेंगे तो टोटल एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री। यानी कि बात समझिए, आप ए से चल रहे थे ई की तरफ गए थे तो एंगल वन, ठीक, यानी कि मेजर ऑफ एंगल वन और प्लस फिर आप यहां पे आए तो ये वाला एंगल बना, क्योंकि आपने ऐसी डायरेक्शन से आप इधर जा रहे थे, आपने ऐसे करके टर्न लिया, कितने एंगल का, एंगल टू का, ठीक, यानी कि मेजर ऑफ एंगल टू और प्लस यहां पे आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने ऐसे करके टर्न लिया, यानी कि मेजर ऑफ एंगल थ्री, ओके, मेजर ऑफ एंगल थ्री और प्लस जब आप यहां पे आ जाओगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो आप इस एरो के अलोंग जा रहे थे, आपने इस तरीके से टर्न ले लिया, मेजर ऑफ एंगल फोर हो गया ये, मेजर ऑफ एंगल फोर और प्लस यहां पे आओगे तो ये इस तरीके से, ठीक। एक्चुअल में आपको शुरू में यही करना पड़ेगा, जब आप ए से चले थे ना तो आप पहले इधर खड़े थे, आप इस तरीके से घूम गए होंगे, यानी कि एंगल फाइव बनाकर आप ई की तरफ गए थे, ठीक है ना, तो यानी कि मेजर ऑफ एंगल फाइव, ओके। तो ये जितने भी एंगल बने टोटल वन टू थ्री फोर फाइव, पेंटागन है तो टोटल फाइव एंगल बनेंगे, हेक्सागन है तो सिक्स बनेंगे, ठीक है। तो सारे एंगल्स का जो एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल जितने भी बने उनका जो मेजरमेंट है उसका अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब रीजन क्या है, वन टर्न कंप्लीट हो जाता है, और वन टर्न जब भी कंप्लीट होता है तो एंगल कितना बनता है टोटल 360 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है, क्या, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। याद करें क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल द मेजर, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ध्यान दें, एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब ये तो हमने आपको पेंटागन बना के दिखाया था, अब आपके पास पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ठीक है, आपके पास चाहे जितने साइड वाला पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सागन होता कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से हेक्सागन होता मेरे पास, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे एक्सटीरियर एंगल्स में नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए या तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ले लो या तो क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है ना। मतलब समझो आपने इस लाइन को ये इस तरीके से बढ़ा दिया, ये बन गया एंगल वन, ठीक है। अब आप किधर जा रहे हो, अगर आप ध्यान चेक करो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, है ना। अब आप ए से एफ की तरफ आओगे, बी से ए की तरफ, ए से एफ की तरफ, ये एरो ऐसे बढ़ा दिया, ये एंगल टू बन गया, फिर एफ से ई की तरफ, ठीक, ये एंगल इस तरीके से बन गया एंगल थ्री, फिर ई से डी की तरफ, ठीक है, ये देखिए ये एंगल फोर बन गया, ठीक, और बी से सी की तरफ जाओगे तो ये ऐसे, और ये वाला एंगल बन गया एंगल फाइव, ठीक, और फिर सी से बी की तरफ तो ये वाला एंगल बन गया एंगल सिक्स, ठीक है ना। तो हेक्सागन में आपको एक्सटर्नल एंगल्स दिख रहे हैं कौन कौन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हेक्सागन के लिए क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल वन, मेजर ऑफ एंगल वन प्लस मेजर ऑफ एंगल टू प्लस मेजर ऑफ एंगल थ्री प्लस मेजर ऑफ एंगल फोर प्लस, अब यहां पे जगह नहीं मैं नीचे लिख रहा हूं, मेजर ऑफ एंगल फाइव प्लस मेजर ऑफ एंगल सिक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यानी कि कोई भी पॉलीगन हो आपका, ठीक है, चाहे उसमें फाइव साइड हो, फोर साइड हो, सिक्स साइड हो, एट हो, टेन हो, कितने भी साइड्स हो, जितने साइड होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल बनेंगे या उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे बच्चों, और सारे एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि देखो जब आप ए से चले थे तो घूम के वापस ए पे आ गए, यानी कि फिर से आपने वन टर्न कंप्लीट कर लिया यहां पर, और जब भी वन टर्न कंप्लीट होगा तो टोटल जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे सबका सम हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसकी हेल्प से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से बनाएं, है ना, आप क्लॉकवाइज भी बना सकते थे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पर, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको क्लॉकवाइज करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, ध्यान से चेक करें बच्चों। मान लो हमारा हेक्सागन इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक, ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है, सी ये वाला पॉइंट है आपका, डी ये वाला पॉइंट है आपका, ई ये वाला पॉइंट है आपका, एफ। अब देखो जरा, अभी आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब आप क्लॉकवाइज चल सकते हो, मतलब
ये एरो इधर निकाल सकते हो तो यहां बनेगा एंगल वन। फिर ये तो ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि ये ए से बी की तरफ, ये ऐसे, ये एंगल टू। फिर ये आप इधर चल सकते हो इस तरीके से, ये बन गया एंगल थ्री। फिर आप इसको बढ़ा दो इस तरीके से, ये बन गया एंगल फोर। फिर आप इसको बढ़ा दो, यहां बन गया एंगल फाइव। फिर आप इसको इस तरीके से बढ़ा दो, यहां पे एंगल बन गया सिक्स। तो देखा आपने, ये वाला पैटर्न भी फॉलो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज वाला, और क्लॉकवाइज वाला भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स।